अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुसैन माम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्टॉर्म विद हुसैन माम एंड बासिल शाह। तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है, आज उसका डे टू था। तो हुसैन साहब, पहली बात तो ये, आप बहुत आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो मैं काफी बड़ा था, लेकिन जब तक खुश था जब तक साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी। अच्छा, जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो फिर खुशी नहीं थी। 33 पे 4 आउट, लेकिन आज वो खुशी दुबाला हुई है। फवाद आलम ने बेहतरीन सुपर बैटिंग की है, सुपर, नो डाउट अबाउट इट, वेल डिजर्व, फैबुलस, हर लिहाज से कंप्लीट डिटर्मिनेशन शो की है, स्टेमिना बताया है। जो टेस्ट की जो क्राइसिस चलते हैं, जो आप पहले मैन ऑफ क्राइसिस थे, 33 पे 4 गिरे हुए थे, अदर ने सपोर्ट किया कि पहला सेशन आउटस्टैंडिंगली खेला, प्रेशर को ऑब्जर्व किया, फिर आके सिंगल डबल फोर जहां पे लूज बॉल मिली, बाउंड्री कंप्लीट इनिंग्स खेली है उन्होंने, बहुत ही सुपर। फवाद आलम ग्रेट, बल्कि मैं तो कहूंगा फवाद आलम की तरह ऐसे होना चाहिए। तो खुशी बनती है खुशी तो बनती है। आज पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वेल डिजर्व। आज बहुत अच्छे बात पता लगा कि किसी टेस्ट में पाकिस्तान थोड़ा ऊपर आया, नहीं तो जितनी भी सीरीज गुजरी है पाकिस्तान किसी भी सेशन में ऊपर नहीं था। वेल डन। वेल, काफी अरसे से फवाद आलम को ये लोग जो मैनेजमेंट है वो नहीं खिला रही थी। डोमेस्टिक में वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको पीसीबी ऊपर लेके गए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई कहता है उसका स्टांस नहीं है खड़े होने का, लेकिन जो बंदा डोमेस्टिक में खेल रहा है, जो बार बार खेल रहा है, रन कर रहा है, इतने रन बनाए उन्होंने, इतने रन बनाए फिर भी चांस नहीं दे रहे, और आप जब चांस नहीं देंगे तो फिर लोग मोटिवेट कैसे होंगे। अभी भी सिलेक्शन जो है बड़ी अच्छी की है, बॉलर्स की ताबिश को उन्होंने लेके आए हैं, लेकिन उसको भी चांस देना चीज़ नहीं दिया। सही, ठीक है, ताबिश भी डिजर्व करता है, उसने अच्छी विकटें की है, ताबिश का उसको चांस मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला उसको। तो ऐसे प्लेयर जिन जो परफॉर्म करें उनको चांस देना चाहिए, चांस देंगे तो आपको बंदे बेंच स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फवाद आलम ने जो चांस नहीं दे रहे थे, जो बातें कर रहे थे उसको, उसने उसको जवाब दिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं आपको फवाद आलम का, 3 सेंचुरी है और कोई 50 नहीं है। जब भी इन्होंने 50 रन से ऊपर किया है तो उन्होंने सेंचुरी ही मारी है। सेंचुरी की है, 168 श्रीलंका में के खिलाफ, श्रीलंका के अंदर डेब्यू पे सेंचुरी, न्यूजीलैंड में 102 रन 50 ऊपर किया, अभी तीसरा मैच साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया सेंचुरी। फैबुलस फवाद आलम, डन द फैबुलस जॉब। जितनी इसके साथ साथ मैं अजहर अली को भी, फहीम अशरफ को भी और रिजवान को, तीनों को भी बैक करूंगा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अच्छा। और जहां पे पाकिस्तान फंसा हुआ, देखें टेस्ट जो है ना, टेस्ट मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में टेस्ट टाइम गेम है कोऑर्डिनेशन की। अगर आप प्रेशर में है तो दो से तीन पार्टनरशिप आपको प्रेशर से बाहर निकाल लेंगे। अजहर अली ने और जब फवाद आलम सुबह प्रेशर में थे, पूरा सेशन अच्छा खेला, रोटेट की बॉल को एक दूसरे के साथ क्रीज में बातें की, शेयर की चीजें, तो उन्होंने बैट से निकले हैं। पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में है, 88 पे आप कह रहे हैं खुश क्यों है, तो मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा। पाकिस्तान ऑन द टॉप राइट नाउ, फवाद आलम सेव द मैच फॉर अस। सही, आखिरी दो विकेटों में कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 88 की मेरे ख्याल से लीड है अभी तक, दो विकेटें रहती हैं। हसन अली ने अभी जो डोमेस्टिक हुआ है उसमें बड़े अच्छे रन दिए हैं, अच्छे रन कर रहा था बैटिंग के साथ भी, तो मेरे ख्याल से ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हैं। सही, मैं तो कहूँगा कि जितने भी रन बनेंगे यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम करेंगे, तो मेरे ख्याल में 30-50 रन ऐड करने चाहिए। पहले 8-10 ओवर आए, चेक चुक करें, रोटेट करें, और 40-50 अगर ऐड होते हैं ना तो पाकिस्तान बड़ा ही एक साउंड पोजिशन में आ जाएगा, एक अच्छी स्टैंडिंग जो है ना पोजिशन में पाकिस्तान आ जाएगा। और ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान को कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने का, क्योंकि विकेट जो है तीसरे में भी मेरे ख्याल से स्लो भी है, अनइवन बाउंसिंग है, कभी बॉल ऊपर जा रहा है, कभी बॉल नीचे आ रहा है, टर्न भी कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग भी अच्छी है, फास्ट और स्पिन भी अच्छा है, तो मेरे ख्याल है कि इनको पकड़ना चाहिए। इन्हें मेरे ख्याल में 210 के अंदर अफ्रीका को रोकना चाहिए, क्योंकि जितने रन इनको आखिरी इनिंग में कम मिलेंगे ये इजीली और कन्विंसिंगली जीतेंगे। ओवरऑल आज का दिन पाकिस्तान का था और आई वाज वेरी हैप्पी विद देम विद देयर परफॉर्मेंसेस, और होपफुली कि कल भी इंशाल्लाह हम 40-50 रन ऐड करेंगे और इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। और मेरी भी बड़ी खुशी है कि मैं पहला टेस्ट जो है ना, जो हम आज कवरी दे रहे हैं, पहले टेस्ट को तो हम जीते हैं इंशाल्लाह।
विशिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो पे जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह कल का दिन आ रही होगा मेरे ख्याल में, कल हम जीतेंगे, इंशाल्लाह कल हम जीत जाएंगे। विशिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान। कल अभी जो स्टैट चल रहा है पाकिस्तान का, मैंने कल भी बताया था 15 और मेरे चार का चल रहा है, 15 का होगा, 15-5 का होगा इंशाल्लाह। तो विशिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान इंशाल्लाह। हमारी अगली वीडियो तक, टिल देन टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।